आज हम एक ऐसे योगाभ्यास को देखेंगे जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, मिलियंस ऑफ पीपल हर रोज जरूर से जरूर प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि ये योगाभ्यास है ही इतना खास, क्योंकि ये अपने आप में ऑल इन वन यानी फुल बॉडी वर्कआउट है और इसे करना सामान्यतः आसान है। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगते और कोई खर्चे नहीं है और हर उम्र के लोग इसे कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सूर्य नमस्कार की। इसके फायदे हमें सर से लेके पांव तक देखने को मिलते हैं। हमारे चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, या डाइजेस्टिव सिस्टम हो, या नर्वस सिस्टम हो, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, सारे सिस्टम पे हमारे हार्मोन, हमारे इमोशन सब पे इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। चाहे आपको वेट लॉस करवाना हो, आपके पेट की चर्बी खत्म करनी हो, या फिर आपको फिट रहना हो, स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेमिना चाहिए, आपको इंसोमिया की प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती, आपको मेमोरी सॉल्व करने है, आपको आध्यात्मिक लाभ चाहिए, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपको कब्जियत की प्रॉब्लम है, या फिर आपको आंखों की रोशनी तेज करनी हो, प्रॉब्लम कुछ भी हो, सूर्य नमस्कार उसमें बहुत ही लाभकारी होते हैं। और आपको जान के ताजुब होगा कि इतना अच्छा विज्ञान यानी सूर्य नमस्कार, कैन यू इमेजिन 3500 साल पहले इनका वर्णन मिलता है। हमारे ऋग्वेद में सूर्य नमस्कार का वर्णन मिलता है। उस वक्त के लोग कितने इंटेलिजेंट हुआ करते होंगे। खैर, जब बात सूर्य नमस्कार करने की आती है तो इसके फायदे वायदे देख के हम बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, पर जब करने जाते हैं तो इसके 12 स्टेप्स होते हैं और फिर हम उनको स्मृति में लाना, स्टेप बाय स्टेप सीरीज से हमको करना, ये बहुत मुश्किल लगता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक जो मैं खुद करता हूँ अपने ऊपर, अब तो ऑटोमेटिक हो गया है, उस कहानी के थ्रू मैंने एक छोटी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी इसके ऊपर बनाई। बहुत छोटी सी कहानी है, तो कहानी एक ऐसी चीज है ना जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपके मन स्मृति पे छप सा जाता है कहानी। तो कहानी का मैं समरी बताता हूँ, उसके बाद हम कहानी को सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप से जोड़ के भी बताऊंगा। तो समरी ये है कि आपको सुबह उठ के आज क्या करना है, घोड़े पे चढ़ के पर्वत को विजिट करने जाना है और फिर विजिट करने के बाद वापस घोड़े पे चढ़ के अपने घर को आने हैं। बस कहानी इतनी सी है। तो हम देखिए इसको हम सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप से कैसे कनेक्ट किए। तो कहानी ये है कि आज संडे की मॉर्निंग है, इट्स ए ब्यूटीफुल डे, और आप सुबह उठते हो, आप अपने रूम के खिड़की के पर्दे हटाते हो तो आप देखते हो कि सूर्योदय हो रहा है, बहुत खूबसूरत सा सूर्योदय का नजारा है। तो आप श्रद्धावश सूर्य देव को प्रणाम करते हो। सूर्य नमस्कार का पहला स्टेप प्रणाम आसन खत्म हो गया। फिर आप पूरी रात सोए हो तो आप थोड़ी सी अंगड़ाई लेते हो, आप अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाते हो तो हस्त उत्तानासन हो गया। फिर आप को चूंकि आज पर्वत को विजिट करने जाना है वो भी घोड़े से, तो आप अपने पैरों से अस्तबल की ओर आगे बढ़ते हो। हमारा अगला टारगेट क्या है, हस्त पाद आसन आपका कंप्लीट हो गया, यानी आप अपने हाथ को पैर से छूते हो, आप पैर से चल के घोड़े तक चलते हो, फिर जो घोड़ा है उनको संचालित करते हुए आपको पर्वत तक जाना है। तो चौथा हो गया आपका अश्व संचालन, अश्व मतलब होता है घोड़ा, तो आप अश्व संचालन करेंगे, फिर आप घोड़े पे चढ़ के पर्वत के पास जाते हो, यानी आपको पर्वतासन करना है। फिर जब आप पर्वत के पास जाते हो तो हमारी संस्कृति में पर्वतों को देवताओं की तरह माना गया है, तो वो पूजनीय होते हैं, इसीलिए हम उनको नमस्कार करेंगे, पर ऐसे वैसे नमस्कार नहीं, अष्टांग नमस्कार करेंगे, स्पेशल सम्मान देंगे उनको। इसमें आपका छठा स्टेप निपट गया, अष्टांग नमस्कार। फिर आप देखते हो कि पर्वत के ऊपर एक सांप फन फैलाए हुए बैठा हुआ है, तो आप भुजंगासन करते हो। जब आप भुजंगासन करते हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी फन फैलाए हुए हैं, तो आप पर्वत के बाद सांप को देख के भुजंगासन करते हो। फिर आपको थोड़ा सा डर लगता है सांप से, फिर आप एक आखिरी बार पर्वत को देखते हुए वापस घर जाने की सोचते हो, यानी आप फिर से पर्वतासन करोगे, और फिर पर्वतासन के बाद आप फिर वापस घोड़े पे आओगे और घोड़ा चलाते हुए घर जाओगे, यानी नौवां स्टेप हमारा अश्व संचालन हो गया। अब आपको घोड़े से उतरना है पैड से, तो हमारा अगला टारगेट क्या होगा, पैड हस्त पादासन, अपने हाथ को पैरों से आगे की ओर बेंड करते हुए छूना है।
और फिर चूंकि आप बहुत देर तक तो घोड़े पे बैठे बैठे थक गए हो, तो आप फिर से एक बार अंगड़ाई लेते हो हस्त उत्तानासन, अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाते हुए, बैंड करते हुए ले जाते हो, फिर आगे की ओर ले आते हो, तो हस्त उत्तानासन हो गया, हमारा 11वां स्टेप खत्म हो गया। फिर जब आप अपने कमरे में जाते हो तो आप देखते हो कि सूर्य आकाश में बहुत ऊंचाई तक जा चुका है, तो फिर एक बार आप सूर्य देव को प्रणाम करते हो, यानी प्रणाम आसन। अगर हम सूर्य नमस्कार को देखते हैं तो इसमें कुल 7 स्टेप हैं। उसके बाद क्या होता है ना, आपको रिवर्स ऑर्डर में आप जाते हो, क्योंकि भुजंगासन के बाद आप देखें तो फिर से आप पर्वतासन कर रहे हो, फिर अश्व संचालन कर रहे हो। तो कुल मिला के अगर आप याद भी रखते हैं ना, तो आपको सिर्फ 7 स्टेप याद रखने, पर अगर आप वो भी याद नहीं रखना चाहते तो बस एक कहानी याद रखिए, ये छोटी सी, जिसमें आपको सुबह उठ के प्रणाम करके घोड़े पे चढ़ के पर्वत को देखने, पर्वत पे फिर सांप मिलेगा, सांप से डर के आपको फिर वापस से घोड़े पे चढ़ के घर को आने, बस इतना आसान सा है। मैं भी जब सूर्य नमस्कार शुरू किया था तो मैं इसी कहानी से 12 स्टेप याद किया, और कुछ दिन करने के बाद आपको इसकी आदत हो जाती है स्टेप्स की, कि फिर आपको दिमाग में इस स्टेप्स को लाने की जरूरत भी नहीं होती, आपकी बॉडी खुद ऑटोमेटिक 12 स्टेप के लिए हैबिचुएटेड हो जाती है। तो ये थे सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप, जो कि अपने आप में एक कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो सूर्य नमस्कार के फायदे भी बहुत अनमोल है। कहा जाता है कि अगर आप 25 से 50 सूर्य नमस्कार हर रोज करते हैं तो आपकी उम्र लगभग थम सी जाती है। आपको उम्र बढ़ने के साथ उनके लक्षण तो दिखेंगे, पर वो लक्षण और लोगों की तुलना में बहुत ही मिनिस्क्यूल होगा, बहुत ही छोटा सा होगा। आपकी उम्र लगभग सी थम सी जाती है अगर आप हर रोज 25 से 50 सूर्य नमस्कार करते हो। और इसके अलावा हमारे रामायण में भी इनका वर्णन किया जाता है, कि जब राम भगवान रावण से युद्ध करने से पहले अगस्त मुनि से मिलते हैं, तो अगस्त मुनि उनको सूर्य नमस्कार सिखाते हैं, उसके बाद फिर वो रावण का वध करते हैं। तो सूर्य नमस्कार वाकई एक बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आप कोई भी आसन ना करते हो, सिर्फ सूर्य नमस्कार करें, तो इनसे भी आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे।